नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव कई मायनों से खास होने वाला है, क्योंकि यह पहला मौका है जब बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन ईवीएम की मदद से हो रहा है और साथ ही बिहार में पहली बार बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा होने से फर्जी वोटर को रोका जा सकता है। इसको लेकर ट्रायल का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब इस पर होने वाले खर्च का पूरा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की सहमति के बाद ही चुनाव में बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने पर अंतिम फैसला होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन से पहचान आखिर कैसे होगी। वोटरों की संख्या को देखते हुए बिहार में करीब 1.14 लाख पोलिंग बूथ होंगे। इन पर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए मतदाताओं की पहचान 5 तरीके से की जाएगी। बूथ पर वोट डालने आने वाले वोटर का मतदान से पहले फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उसके बाद फेस रीडिंग की जाएगी और उसका पलक झपकाते हुए छोटा सा वीडियो लिया जाएगा, जिसको वोटिंग से पहले ही सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। फेस रीडिंग और वीडियो क्लिप अपलोड करते ही मतदाताओं की पहचान आसानी से सामने आ जाएगी। फिर वोटर लिस्ट में मतदाता की पहचान को वेरीफाई किया जाएगा। अगर वोटर ने वोट नहीं डाला होगा और उसकी पहचान सही होगी तो उसे वोट देने दिया जाएगा। इसको लेकर प्रमंडलवार ट्रेनिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब आयोग जिला स्तर पर चुनाव कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू करेगा। बाढ़ की वजह से कई जिले में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब आयोग ने इन जिलों में ज्यादा तकनीकी एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाने की बात कही है, जिससे रुका हुआ काम तेजी से पूरा हो सकेगा। ज्ञात हो बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 24 अगस्त को अधिसूचना आने के साथ ही चुनाव से संबंधित सारी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि किस चरण में किस जिले का चुनाव होने वाला है। वहीं नीतीश कैबिनेट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव का आयोजन 11 चरणों में होने वाला है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर अब तक कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत पंचायत चुनाव कब और कैसे आयोजित करवाया जाए इसको लेकर रणनीति बना ली गई है। साथ ही 4 पदों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच भी पूरी कर ली गई है और 2 पद के लिए इस्तेमाल होने वाले बैलेट बॉक्स को लेकर भी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि बिहार पंचायत चुनाव के आयोजन में कोरोना और बाढ़ 2 बड़ी समस्या अभी भी मौजूद है, जिसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कोरोना और बाढ़ दोनों को ध्यान में रखते हुए चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग की मदद से समय पर करवा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।